दोस्तों अगर आप भी यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं तो सरकार के इस नए नियम को जान लीजिएगा। नया विकल्प तलाशा गया है, गूगल पे और फोन पे को टक्कर देने के लिए नया यूपीआई ट्रांजैक्शन लाया गया है। जी हाँ, गूगल और फोन पे के पर को कतरने की तैयारी है। आइए पूरा अपडेट आपको बता देते हैं कि क्या पूरी तैयारी की जा रही है। दोस्तों यूपीआई लेनदेन में फोन पे और गूगल पे की बढ़ती हिस्सेदारी को सीमित रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम यानी एनपीसीआई बड़े कदम उठा सकता है। बताया जा रहा है कि इस चुनौती से निपटने के लिए एनपीसीआई इसी महीने अन्य फिनटेक कंपनियों के साथ बैठक करने जा रहा है ताकि यूपीआई लेनदेन में इनकी हिस्सेदारी भी बढ़ाई जा सके। इन कंपनियों के साथ उसकी बैठक होगी। बताया जा रहा है कि एनपीसीआई अधिकारी क्रेड, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, अन्य फिनटेक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। वे उनके प्लेटफॉर्म पर यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले चर्चा करेंगे। जी हां, एनपीसीआई चाहता है कि लोग इन नए ऐप पर आए, इनका फायदा उठाए ताकि फोन पे और गूगल पे पे ज्यादा लेनदेन होने से पैदा होने वाले जोखिम को कम किया जा सके। इन नए यूपीआई ऐप्स को एनपीसीआई ने ही लॉन्च कराया है ताकि ग्राहकों को नए स्तर पर छूट का लाभ भी मिल सके, साथ ही यूपीआई क्षेत्र में नया निवेश भी आ सके। पहले आपको पता ही होगा कि जब गूगल पे और फोन पे आया था तो ये तरह तरह की स्कीम, तरह तरह के फायदे, तरह तरह का कैशबैक देते थे। लेकिन अगर आप अब जियो का रिचार्ज करते हैं, एयरटेल और वीआई का रिचार्ज करते हैं तो आपसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं, बढ़ते एकाधिकार से चिंतित हैं। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था में इन दोनों कंपनियों की बढ़ती हिस्सेदारी एनपीसीआई चिंतित है। उसका मानना है कि ये कंपनियां एकाधिकार स्थापित कर सकती हैं। एनपीसीआई ने कंपनियों की हिस्सेदारी 30% तक सीमित करने की वकालत की है। आरबीआई ने भी नाराजगी जताई थी। यह भी बताया जा रहा है कि ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था में बढ़ते एकाधिकार पर आरबीआई भी नाराज हो चुका है। इससे निपटने के लिए रिजर्व बैंक को बढ़ते यूपीआई कंपनियों के ज्यादा अनुकूल प्रतिस्पर्धा माहौल बनाने की योजना पर विचार कर रहा है। पेटीएम के नए हैंडल पर आप खाता भी खोल पाएंगे। अब एनपीसीआई ने पेटीएम के मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन को नए भुगतान सेवा प्रदाता बैंक हैंडल पर उपयोगकर्ताओं का स्थानांतरण शुरू करने की अनुमति दे दी है। एनपीसीआई ने पेटीएम को यूपीआई पर तीसरे पक्ष के एप्लीकेशन प्रदाता के रूप में काम करने की अनुमति दी है, यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आप हैंडल कर पाएंगे। जी हां, गूगल पे और फोन पे के पर कतरने की तैयारी है। ये भारतीय कंपनियां नहीं है। यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए अब नया विकल्प तलाशा जा रहा है। वैसे आपका क्या मानना है कमेंट करके जो बताइएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। बने रहिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।